अशोक चौधरी, प्रदेश संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ जम्मू कश्मीर लद्दाख। मेरे साथ में श्रीमान हरवंश चौधरी जी, हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं भारतीय मजदूर संघ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। हमारी ओर से, भारतीय मजदूर संघ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ओर से, देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएँ। इसके साथ साथ हम जम्मू कश्मीर के वासियों को, जितने भी कर्मचारी मजदूर वर्ग है, उनको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई कि हम देश में इतना बड़ा सेलिब्रेशन बन रहा है अभी 15 अगस्त को। तो इसके साथ साथ हम सरकार से, खासकर यूटी सरकार और प्रदेश सरकार जो है अपनी, यहाँ यूटी की सरकार एलजी साहब और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, इनसे निवेदन करेंगे कि कर्मचारी वर्गों की जो समस्याएं हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे वो ऑल डेली वेजर्स हों, आंगनवाड़ी वर्कर्स हों, आशा वर्कर हों, मिड डे मील हों, स्कीम वर्कर्स हों, और दूसरे ये अपने लोकल बॉडीज़ के जितने भी आउटसोर्सिंग वर्कर हैं, डेली वेजर, डेली रेटर वर्कर हैं, जितने भी सरकारी प्राइवेट कर्मचारी और जहाँ जहाँ जो लोग काम करते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में पूरा ध्यान दें और इस उपलक्ष में उनको भी लगे कि हम भी अपने आज़ाद हिंदुस्तान में एक आज़ादी का महोत्सव बनाएं। मेरा निवेदन है कि खासकर जितने भी बर्निंग इशू जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, उनकी तरफ एलजी साहब को ध्यान देना चाहिए। जैसे मान के चलिए आंगनवाड़ी रिटायर हुए हैं, उनका कोई पेंशन का प्रावधान नहीं है, और जो ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, प्रॉपर लोगों तक अभी तक नहीं पहुँच रही है। पीछे कुछ दिनों ब्रेक हुआ था, ब्रेक के बाद सब लोगों पर लागू नहीं है, और सरकार से निवेदन है मेरा कि उस पर ध्यान दें और ये सारी चीज़ें लागू करें। और डेली वेजर्स का मुद्दा है, ये बहुत बर्निंग इशू है। जितने भी ऑल डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर हैं, भारतीय मजदूर संघ ने दिल्ली के अंदर गृह मंत्री के सामने ये विषय उठाया है, और एलजी साहब से भी निवेदन करेंगे कि इस मसले को तुरंत हल करें। और अब इसको, इस शुभ अवसर पर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम आंदोलन की ओर जा सकते हैं, लेकिन आज के दिन मैं इतना ही कहूँगा, निवेदन करूँगा प्रदेश सरकार, जो यूटी गवर्नमेंट है, कि तो जो मसले वर्निंग इशू, उनको हल करें। एक बार फिर भारतीय मजदूर संघ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ओर से देश के वासियों को, प्रदेश के वासियों को, और कर्मचारी वर्ग और मजदूर वर्ग को मैं एक बार बहुत बहुत पुनः बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।